हेलो फ्रेंड्स, मैं सैगल एंड यू आर वाचिंग बीइंग सैगल। घूमता है, खाता है और खूबसूरत से नज़ारे दिखाता है। दोस्तों, अपनी भारत भ्रमण यात्रा पे आज मैं आया हूँ श्री सैलम आंध्र प्रदेश में, जहाँ विराजमान है साक्षात शिव भगवान मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। एक ज्योतिर्लिंग वो कहलाता है जहाँ पे साक्षात भगवान शिव ने आके लीला रची है, प्रकट हुए हैं, रूप लिया है। वैसे तो भगवान ने बहुत सी लीला रची है, पर प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो आज माने जाते हैं, जिनमें से आज इस यात्रा पे हम 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। अभी तक हम महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, उनके उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। आज मैंने दर्शन कर रहे हैं अपने 4 ज्योतिर्लिंग के, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के। जैसे मैंने कहा, हर ज्योतिर्लिंग की एक स्टोरी होती है, लीला रची गई है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ज्योतिर्लिंग की क्या स्टोरी है, क्या महत्वता है, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मोड्स है, रहने के क्या क्या ऑप्शंस है। इसी बात पे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ की महत्वता से, यहाँ की स्टोरी से। हिस्ट्री की बात करो तो इस मंदिर का व्याख्या ना 3rd सेंचुरी से मिला जाता है, जो हिंदू पुराणों में लिखा गया है। 3rd सेंचुरी से हिस्ट्री कह रहा हूँ, माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री में 3rd सेंचुरी लिखा जाता है। 7th में भी है, 13th में विजयनगर एम्पायर में भी है, तो आप कह सकते हैं कि ये मंदिर सदियों पुराना है। अब बात करें जो शिव जी की महिमा है, यहाँ पे शिव जी की गाथा है, यहाँ की, यहाँ पे नंदी पर्वत थे जिन्होंने भगवान की बहुत तपस्या करी, और भगवान शिव ने जब उनको दर्शन दिए और बोला कि मांग, क्या मांगता है, तो उन्होंने मांगा कि भगवान आप ही मेरे पास आ जाओ, जैसा आपका कैलाश है, जैसा आपका घर है, वैसे ही मुझे यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे आके रहो। तो भगवान शिव उनकी इच्छा सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनको वो वरदान दे दिया, और साथ में कहा कि आपने इतनी प्यारी विश मांगी है मेरे से, मैं आपको एक और देता हूँ कि आज से आपका नाम श्री पर्वत हो गया है, श्री सैलम हो गया है, आपका ही पर्वत होगा जिसके ऊपर मैं विराजमान होऊंगा और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाऊंगा। ये एक स्टोरी थी जो बहुत प्रचलित है। इसके अलावा और भी स्टोरीज हैं। एक और स्टोरी कहती है, वो कहती है कि एक बार कार्तिकेय भगवान भगवान शिव से नाराज हो गए थे, जो उनके बड़े पुत्र हैं, कि छोटे पुत्र गणेश का विवाह जल्दी हो गया उनसे, तो वो रूठ के इस पर्वत पे आ गए थे रहने। तो फिर उनको मनाने मल्लिका अर्जुन का रूप लेके और साथ में पार्वती माँ ब्रह्मा माँ का रूप लेके यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके उनका विवाह कराया था। ये अलग स्टोरीज है, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में अलग अलग स्टोरीज प्रचलित होती हैं, एक ही जगह की मल्टीपल होती है, कहानियाँ बनी होती हैं, तो चल रही आ रही होती हैं। लोकेशन की बात करो तो ये है आंध्र प्रदेश में, छोटा सा टाउन है श्री सैलम, चारों तरफ से करीब 50+ किलोमीटर दूर से ना पूरा जंगल है, घना जंगल। तो कल हम आ रहे थे, 80 किलोमीटर दूर से टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो गया था, नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व, और पूरा एरिया चारों तरफ से घना जंगल है, घिरा रहता है। दो एयरपोर्ट पास पे पड़ते हैं, हैदराबाद और विजयवाड़ा, जो यहाँ से 250 किलोमीटर है। आप वहाँ से अपनी टैक्सी लेके या लोकल बस लेके आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन कौन सा स्टेशन है, आपको जो सूट करता है वो कर सकते हैं। हम लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपनी कार से कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइव करके कर रहे हैं, तो हमें उस टाइप की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अच्छी टैक्सी और बस सर्विस चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं दर्शन के, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे अपने दर्शन बुक कर सकते हैं। दर्शन की ना अलग अलग स्लैब्स हैं, फर्स्ट सबसे पहले और सबसे बेसिक है फ्री एंट्री, आप किसी भी समय फ्री लाइन में लड़ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, वहाँ से आप शिवलिंग को दूर से देख के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है 150 रुपये पर पर्सन, वो होता है आपका कि आप लाइन में स्पेशल एंट्री आपके दर्शन होती है, बट आप शिवलिंग को सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। उसके बाद आते हैं 300 रुपये और 500 रुपये, उसमें है स्पर्श दर्शन, कि आप अंदर जाके शिवलिंग के गर्भगृह में जा सकते हैं और शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। उसमें भी एक क्लॉज क्या है कि ये पर पर्सन नहीं है, ये पर कपल है, पर फैमिली है, आप अपनी वाइफ के साथ और अपने 10 साल के बच्चे के साथ एक टिकट में एंटर हो सकते हैं, और गर्भगृह जाएंगे तो आपको अपनी शर्ट, बनियान, कुर्ता तब कुछ उतार के जाना रहेगा, नंगे पिंडे जाना रहेगा जो अंदर गर्भगृह में जब जाएंगे, और लेडीज़ के लिए साड़ी या सूट में ही जाना अनिवार्य है। अपने इस ड्रेस कोड को लेके ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके अगर आप नॉर्मल वेस्टर्न वेयर में जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको वापस जाके चेंज करके आना रहेगा। उसके बाद जो ऊपर आता है वो है रुद्राभिषेक, जो मैंने किया था, उसके भी 2-3 टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पे ले दिए हैं। मैंने जो किया था 1500 रुपये पर कपल का किया था, जिसमें क्या होता है सुबह 6 बजे हमको टाइम दे दिया गया, अंदर गए तो अंदर अनकारा मंडपम था जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज एक साथ बैठी हुई थी, वहाँ पे 40 मिनट की पंडित जी पूजा कराते हैं, जल अभिषेक कराते हैं, आपके सामने माइक पे बोलते हैं और आप सामने
अपनी पूजा कर रहे होते हैं, जब आपका रुद्राभिषेक कंप्लीट हो जाता है तो वो जल लेके आप अंदर आके प्रभु को अर्पण करते हैं, प्रभु को स्पर्श करते हैं, गर्भगृह में जाते हैं। तो इसके साथ दो तीन और पूजाएं हैं आप वो कर सकते हैं, जो मुझे नॉलेज थी, जो मैंने करी, जो अनुभव करा वो आपको बताया। तो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे स्टे करने का, एकोमोडेशन का। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अच्छे से ट्रस्ट बने हुए हैं, गवर्नमेंट के ट्रस्ट के प्राइवेट होटल्स ऑप्शन बहुत हैं, बट जब वीकेंड होता है, रश होता है ना, तो भाई साहब जगह नहीं मिलती है। हम लोग यहाँ पे सैटरडे इवनिंग आए थे, शाम को पहुँचे थे 8 बजे, पर यहाँ पे 1 घंटा घुमाऊँ मैं अलग से ट्रस्ट अलग ट्रस्ट, मुझे जगह नहीं मिली। ऑनलाइन में देख रहा था 2 से 3 दिन पहले से, बट वो अवेलेबल नहीं थे। मैंने कहा कि जाके देख लेंगे प्राइवेट मिलेगा या कुछ मिलेगा, बट नहीं मिले। जगह जगह बहुत घूमा मैं, फिर फाइनली क्या हुआ कि 400 रुपये का जो रूम था मुझे 2000 रुपये पे मिला, नॉन एसी रूम, स्टैंडर्ड सा रूम। अब रात तो गुजारनी थी, हम सोच रहे थे कि गाड़ी में सो जाएं या नीचे पार्क वगैरह फिर लेटे, बट रात गुजारने के लिए, सुबह फ्रेश होने के लिए जगह चाहिए थी, तो लेके मैं निकला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिंक में ही आपको ऑनलाइन दे दिया गया है, आप यहाँ से ऑनलाइन बुक करा के आएँ, स्पेशली अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो। वीकडे में इतना रश नहीं होता है, आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। स्टिल मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक दे दी है महेश की, जिसके मेरे को 400 का रूम 2000 में दिलाया था, बट मिल तो गया था वो था। और एक दो और संस्था की डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, अगर आप आ रहे हैं तो अवश्य रूम बुक करा के आए, क्योंकि फैमिली के साथ आ रहे हैं, दूर हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है रात को। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि साथ में मंदिर दर्शन तो कर लेंगे, पूर्ण विवाह पूरा हो गया, साथ में और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 5-4 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लोकल टूरिज्म लेके जाते हैं। एक कल्याण कट्टा है कि यहाँ पे आप अपने बाल अर्पण कर सकते हैं प्रभु को, वो आपकी मान्यता है। सेकेंड नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे पताल गंगा है, जहाँ पे रोप वे बना हुआ है, आप ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, अभी हम जाएंगे, वो है जंगल सफारी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व है, तो इतना बड़ा जंगल है, इतना घना जंगल है, तो जंगल सफारी करनी तो बनती है। ये था टूवर्ड्स विजयवाड़ा रास्ता, पर डोंट नो, मैं हैदराबाद से नहीं आया हूँ, वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वहाँ पे है कि नहीं है, बट यहाँ से 25 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे जंगल सफारी पॉइंट है, तो 9 बजे से लेके 4 बजे तक होती है। तो आने वाली वीडियो में हम वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या क्या है, आप अवश्य देखिएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमण करते हैं, देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो कर लीजिए। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप यहाँ पे आए, प्रभु आपकी इच्छा कबूल करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शन दे